हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में पांच ऐसे रीजंस जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि इंडिया में हैं, बाहर हैं, वो अपने पैसे लूज कर देते हैं। सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है 90% ऑफ द पीपल जो इसे करते हैं और अपने सारे पैसे गवा देते हैं, कोई आज गवा देता है, कोई 6 महीने बाद या कोई 3 महीने बाद। सबसे पहला रीज़न है, आप स्टॉक मार्केट को एक कसीनो की जैसे लेते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करना, फ्यूचर्स खेलना, ऑप्शंस में खेलना, इससे आपके पैसे आज नहीं तो कल या परसों और या फिर 3 महीने बाद ये ज़ीरो ही होने हैं। और जितना जल्दी अगर पैसे आपके ज़ीरो हो जाएंगे उतना ही जल्दी इसमें फ़ायदा है। आप उतनी जल्दी समझ जाएंगे कि स्टॉक मार्केट में कभी भी ऐसा ट्रेडिंग या फिर आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करके जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, उसमें आप अपनी कैपिटल गवा देते हैं। वॉरेन बफे हमेशा बोलता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। ये अब आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, 100 में से 90 लोगों के पैसे तो स्टॉक मार्केट में डूब जाते हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि आप स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग कसीनो की तरह देखते हैं, उसकी वजह से आप जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से आप अपना पूरा पैसा या गवा देते हैं, कोई 3 महीने में गवा देता है, कोई 6 महीने में गवा देता है। दूसरा रीज़न जो कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का है मेरे हिसाब से, वो है ट्राइंग टू बीट द सेंसेक्स एंड निफ्टी। अगर मैं आपको अगर आपकी एक शीट दिखाना चाहूँगा अभी, में सेंसेक्स की जो प्राइस थी वो 442 रुपीज़ थी। अगर आप केवल सेंसेक्स और अब 2017 में देखें तो 33,000 अप्रॉक्स थी। तो ये अगर आप इसका रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 76 टाइम्स रिटर्न है। अगर मैं इसमें 1,00,000 रुपये डालता 1987 में तो मुझे 76 टाइम्स रिटर्न तो वैसे मिल जाता, और डिविडेंड का जो रिटर्न है वो इसके अलावा है, वो भी टैक्स फ्री रिटर्न। मतलब अगर मैं 1,00,000 रुपये डालता तो मेरे पास 75,00,000 रुपये टैक्स फ्री होते आज के डेट में, जिसमें ना तो मुझे कोई टैक्स वैक्स भरना पड़ता और आराम से मेरे कुछ भी नहीं करना पड़ता, मुझे केवल सेंसेक्स में पैसे डालने थे और आराम से रिटर्न बन जाता। लेकिन अगर मैं यही किसी स्टॉक में पैसे डालता तो हो सकता है मेरे पैसे आधे हो जाते या फिर ये। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब इसके लिए ये तो कोई भी कर सकता है, बट मोस्टली ये तरीका आपको ना कोई ब्रोकरेज फर्म बताएगी, ना कोई आपको आपके आसपास के एडवाइजर्स बताएंगे, ना कोई न्यूज़ चैनल बताएगा, क्योंकि इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं रोज़ सुबह टीवी पे आके बोलूं कि यार क्या करना है, क्या कौन सा शेयर खरीदें, तो कोई आपको बोलेगा टाटा मोटर्स खरीद लो, कोई बोलेगा हिंडाल्को खरीद लो, कोई बोलेगा HDFC बैंक मुझे अच्छा लग रहा है, फिर अगले दिन कुछ और बोलेंगे। तो इस तो आपको अच्छा लगता है रोज़ की रोज़ कि यार हाँ आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं रोज़ आपके लिए टीवी पे आके बोलूं कि आज सेंसेक्स खरीद लो, फिर अगले दिन फिर आऊँ फिर बोलूँ सेंसेक्स खरीद लो, फिर अगले दिन फिर आऊँ सेंसेक्स बोलो, तो आप एकदम बोर हो जाओगे। और आपको एक बहुत ही फेमस वॉरेन बफे हमेशा बोलते हैं, स्टॉक मार्केट इज़ नेवर बी इंटरेस्टिंग। अगर कोई इंटरेस्टिंग हो रहा है तो वो आप इसको फिर गैम्बलिंग की तरह खेल रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट जैसे भी कभी भी इन्वेस्टिंग होती है वो कभी भी इंटरेस्टिंग या उसमें कोई मज़ा नहीं आता है। जब भी इन्वेस्टिंग आपको बोरिंग लगने लगे तभी आपको रिटर्न मिलेगा। मेरा तो हमेशा मानना है आप निफ्टी 20, जो कि आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं कैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप निफ्टी 20 ले लीजिए, उसको 20, 25, 30 साल के लिए छोड़ दीजिए, आपको अपने आप 10 से 15% के बीच में इजीली रिटर्न मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको खरीद लेना है। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी हो आप कभी भी किसी भी लेवल पर खरीद लीजिए, आपको हमेशा उसमें रिटर्न मिलेगा। निफ्टी 20 के वीडियो मैं अलग से अभी बनाने वाला हूँ, उसका अगला वीडियो उसी के बारे में कि मैं क्यों बोलता हूँ हमेशा निफ्टी 20 खरीदने को। तीसरा रीज़न है लैक ऑफ पेशेंस। आप कोई भी स्टॉक खरीद लेते हैं उस 100 रुपये का, फिर 100 रुपये का स्टॉक जब 1 महीने बाद 105 का हो जाता है तो उसको आप बेच देते हैं, फिर उसी 105 रुपये से आप वापस से कोई स्टॉक खरीद लेते हैं, जो नॉर्मली एक पर्सन की हैबिट होती है 105 रुपये का वो स्टॉक खरीद लेता है, फिर वो 70 रुपीज़ का होता है तो वो बोलता है अरे यार आप इसको क्या करते हैं, इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, फिर वो 4-5 साल उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करता रहता है और फिर उसकी कैपिटल ना तो वो 100 रुपये जो उसने 100 रुपये उस टाइम फर्स्ट डेट को लगाए थे वो कभी 100 रुपये वापस भी नहीं आते, और वो 70-60 रुपये के आसपास वो शेयर घूमता रहता है, और फिर वो उसको लॉन्ग टर्म समझ के हमेशा के लिए उसकी लाइफ टाइम को होल्ड करता है, ना वो ऊपर आता है ना कुछ, उसके वो पैसे ब्लॉक भी हो जाते हैं और उसको कोई उसका रिटर्न भी नहीं मिलता। इसलिए मैं हमेशा निफ्टी 20 खरीदने को बोलता हूँ, जिसमें निफ्टी या सेंसेक्स आप खरीद लीजिए कोई भी,
और मैं आपको बता भी दूंगा कैसे खरीदना है एग्जैक्टली प्रैक्टिकली इंडेक्स फंड कैसे खरीदना है। इसको इंडेक्स फंड बोलते हैं बेसिकली, जो गोल्डमैन सैक्स मैनेज करता है, आपने अगर सुना हो सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग फॉर्म है शायद ये गोल्डमैन सैक्स, वो आप वो मैनेज करता है निफ्टी 20, आप उसको खरीद लीजिए। वो उसका बस बेसिकली काम यही है कि निफ्टी जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है उसको उसके शेयर्स निफ्टी का एकदम वो डुप्लीकेट रिटर्न दे देता है। जैसे जैसे निफ्टी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके रिटर्न बढ़ते जाएंगे। और चौथा रीज़न मेरे हिसाब से है बाइंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन द न्यूज़ चैनल टिप्स। न्यूज़ चैनल के टिप्स के बेसिस पे आप है ना कोई भी शेयर खरीद लेते हैं, जिसमें आपने अगर मान लो इन्वेस्टिंग कर रखी है 1,00,000 रुपये की, अब सारे 1,00,000 रुपये किसी न्यूज़ चैनल ने बोला आज SBI बहुत अच्छा शेयर है, उसमें कोई ऐसी ऐसी न्यूज़ आई है XYZ न्यूज़ आई है, तो आप उसमें सारे के सारे पैसे लगा देते हैं। फिर आपने वो थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है 2%, 4%, 5%, फिर आप देखते हैं वो धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाता है। तो आपके 1,00,000 रुपये जो आप इन्वेस्ट करने चाहते थे वो आप पूरे के पूरे एक पर्टिकुलर स्टॉक में ब्लॉक हो गए हैं। अगर एक ही कंपनी में आप डोंट, अगर आपने सुना हो वॉरेन बफे का एक और कोट है, मैं हमेशा वॉरेन बफे को कोट करता हूँ जब भी मैं इन्वेस्टिंग का इन्वेस्टिंग के बारे में बात करता हूँ, तो मैं वो हमेशा बोलता है डोंट पुट योर ऑल अपने सारा का सारा पैसा किसी भी एक स्टॉक में नहीं लगाइए। तो आप मेरे इसलिए मैं हमेशा निफ्टी 20 के लिए बोलता हूँ, निफ्टी 20 में आप 50 स्टॉक खरीद रहे हैं और आपको इंडिया के टॉप 50 कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, तो आपको कोई भी दिमाग लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आप कोई भी बोलेगा यार कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे निफ्टी 20 में कर रहे हैं। अगर कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, जैसे मान लीजिए कि आज HDFC बैंक इंडिया का शायद से थर्ड या फोर्थ नंबर पर है अभी निफ्टी में, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो निफ्टी से बाहर हो जाएगा। फिर जो अच्छा परफॉर्म करेगा स्टॉक वो टॉप 50 में आ जाएगा। तो आपके पास एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में केवल 50 स्टॉक रहेंगे जो कि निफ्टी में होंगे, मतलब इंडिया की सबसे टॉप 50 कंपनी आपके पास हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रहेगी, जिसके लिए आपको कुछ भी दिमाग में लगाने की ज़रूरत है। और इसमें एक और फ़ायदा होता है, इसमें ना तो आपको कोई टिप्स के पैसे देने पड़ते हैं और इसमें जो ब्रोकरेज है वो भी बहुत ही कम लगती है ना। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं किसी भी कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं DSP ब्लैक रॉक या फिर कोई भी कोटेक का SBI का, तो उसमें आपको म्यूचुअल फंड की फीस देनी पड़ेगी। कोई भी म्यूचुअल फंड फ्री के लिए आपको मैनेज नहीं करेगा आपके पैसे, आपको कोई भी किसी को पैसे दोगे और आप बोलोगे कि इसको मैनेज कर ले, तो वो कोई मंदिर या फिर ऐसा कुछ नहीं है, उसको है ना उसमें वो जो भी लोग काम कर रहे हैं उसकी फीस बिल्डिंग की फीस वो सब आपसे ही निकालेगा। तो आपको इससे बेटर है कि आप निफ्टी फीस खरीद लीजिए ताकि आपको वो कॉस्ट भी बियर नहीं करनी पड़े। आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो निफ्टी का रिटर्न है, निफ्टी और सेंसेक्स का जो रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न HSBC की रिपोर्ट है, वो मैं आपको इस कमेंट सेक्शन के नीचे में रिपोर्ट दे दूंगा, उसका रिटर्न है 17% रिटर्न। अगर आप सेंसेक्स में CAGR रिटर्न कंपाउंडेडली आपको 17% रिटर्न आपको मिल जाएगा। और वॉरेन बफे का जो रिटर्न है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, एक और बात है वॉरेन बफे की, उसने जो अपनी 90% जो वेल्थ है वो 50 ईयर्स के बाद कमाई है, और उसने जो इन्वेस्टिंग चालू कर दी थी शायद 11 या 13 साल में। तो मतलब अगर उसने 100 रुपये आज के डेट में कमा रखे हैं तो 90 रुपीज़ से भी ज़्यादा जो उसका अमाउंट है 90% से भी ज़्यादा वो 50 ईयर्स के बाद कमाया है। मतलब जो भी कभी भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो रिटर्न जो आपको दिखने लगेगा उसके लिए काफ़ी टाइम और पेशेंस ही होता है। आप ये सोचिए कि मैं आज लगा दूँ 5 साल में मेरे को बहुत ज़्यादा करोड़पति बन जाऊँगा या फिर अमीर बन जाऊँगा, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। इसमें आपके पैसे जीरो ही होने हैं, आया तो आज जीरो होंगे या परसों जीरो होंगे। तो जो मैं बता रहा था आपको सेंसेक्स का रिटर्न है 17%, वॉरेन बफे का जो रिटर्न है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आज तक का वो अराउंड 21% है। तो अगर हम ये मान के चले कि हम वॉरेन बफे के जैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं या फिर आप उतना रिटर्न आज की डेट में नहीं ले सकते हैं, केवल 4% का जो रिटर्न है, 4% वैसे कंपाउंडेडली बहुत ज़्यादा होता है बट फिर भी 17% रिटर्न बहुत ही इनफ होता है। तो आप ये मान के चलिए कि 17% का जो रिटर्न है जो आपको इजीली मिल जाएगा केवल सेंसेक्स से निफ्टी खरीदने से, और जो वॉरेन बफे के सेम टू सेम अगर आप इन्वेस्ट करते हैं वॉरेन बफे की एक डुप्लीकेट कॉपी करके, तो आपको मिलता 21% रिटर्न। तो केवल 4% कम अपन ये मान के चले कि हमारा रिटर्न है, तो भी आप इजीली आप कोई भी इन्वेस्टर कमा सकता है 15-17% रिटर्न। मतलब जो भी मार्केट केवल आपने क्या खरीदा है, एक तो इंडिया की टॉप 50 कंपनी खरीद ली है, सेंसेक्स का मतलब इंडिया की टॉप 30 कंपनीज खरीद ली है और उसको छोड़ दिया है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
एक बात तो मैं हमेशा बोलूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको पेशेंस है। आपको माल खरीद के एकदम भूल जाना है, 10 साल 10 साल 20 साल 20 साल मिनिमम 10 साल के लिए तो आपको खरीदना है। एक कोट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट कोट है। एक सेकेंड, ओनली बाय समथिंग दैट यू वुड बी परफेक्टली हैप्पी टू होल्ड इफ द मार्केट शट डाउन फॉर 10 ईयर्स। अगर मार्केट बंद हो जाता है 10 सालों के लिए, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज की आज अगर मान लो आज मैं कोई स्टॉक खरीद रहा हूँ और मैं अगर कल से मार्केट बंद हो जाए 10 साल के लिए और 10 साल बाद खुले, तो भी मेरा मन हो रहा है वो स्टॉक खरीदने का या 10 साल के लिए। इसका बेसिकली मतलब है कि 10 साल के लिए कोई भी स्टॉक मैं अगर खरीदना चाह रहा हूँ, 2 साल 3 साल पर डबल हो जाएगा ये सोचें नहीं अगर 10 साल के लिए, तभी आप उस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। वरना आपके पास और बेटर ऑप्शन है, आप गोल्ड 20 खरीद सकते हैं, आप RD ले सकते हैं, FD ले सकते हैं। मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करता, मैं केवल निफ्टी 20 ही एडवाइस करता हूँ, लेकिन फिर भी आप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बैंक में अगर आपको शॉर्ट टर्म आपका कोई टारगेट है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसे डालने हैं। और मैं फिर से बोलूँगा स्टॉक मार्केट में आप गैम्बलिंग की तरह मत लीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको कोई फ्रेंड बोल रहा है या फिर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आपके पैसे अल्टीमेटली 0 ही होने हैं। तो आप अगर आपका कैपिटल आपको प्यारी है और आपके पास एक्स्ट्रा पैसे, अगर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे हैं तो अलग बात है, वरना आप इसको एक जुए की तरह मत खेलिए। जुए में मेरे हिसाब से कोई आज तक नहीं जीता है। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप इस कमेंट पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। आपको अगर ये चैनल के लिए अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।